हेलो एवरी वन एन वेलकम बैक टू एनदर वीडियो ऑफ सी यू टी विमिक्स इंपॉर्टेंट एम सैक्टिस आज बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी बुक जो आपको हेल्प करेंगे आपके सी के एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक दोनों में चले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन इज ग्रोथ इन रूरल मार्केटिंग रिलेट्स टू तो रूरल मार्केटिंग की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग इसका मतलब रूरल मार्केटिंग करनी है तो एक अच्छा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रोवाइड करना होगा हमें मार्केट्स को रेगुलेट करना होगा फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा तीसरा कॉपरेटिव फार्मिंग को भी प्रमोट करना होगा तो इसीलिए द राइट आंसर है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देर क्रॉप बाई इंट्रोड्यूसिंग ऐसा क्या इंट्रोड्यूस किया है हमारी गवर्नमेंट ने जिसके थ्रू वो फार्मर्स को एक मिनिमम इनकम एश्योर करती है तो देखे जरा वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज रेगुलेटेड मार्केट्स देखो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज तो स्टोरेज पर्प के लिए है उसे मिनिमम इनकम की एश्योरेंस गारंटी नहीं होती, होती ठीक तो है तो रेगुलेटेड मार्केट्स रेगुलेटेड मार्केट्स है बिल्कुल सही इससे फार्मर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा पर मिनिमम इनकम एश्योर होगी ये कुछ क्लियर नहीं है ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी दिस इज द राइट आंसर क्योंकि एम पॉलिसी यानी कि एम का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको कहती है फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कहे कि शुगर केन का एमएसपी प्राइस जो है वो ट्वेल्व रुपीज रहेगा तो इसका मतलब कि कोई अगर मार्केट में उनसे फार्मर से ट्वेल्व रुपीज के ऊपर खरीदता है शुगर केन तो बहुत अच्छी बात है वो अपना बेच सकते हैं पर अगर उन्हें उतना प्राइस कोई नहीं देता तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उनसे बारह रुपए यानी ट्वेल्व रुपीज के ऊपर तो शुगर केन जरूर बाय करेगी तो दिस शोज कि गवर्नमेंट एश्योर करती है कि अगर तुम इससे मैक्स हायर प्राइस पे बेच सकते हो तो आप बेच दो अगर आप नहीं बेचते हो आपको कोई बारह रुपए या दस रुपए आपका कॉस्ट है आपको कोई नहीं देता तो मैं आपको मिनिमम प्राइस इतना तो डेफिनेटली पे करूंगी ये गवर्नमेंट बोलती है ताकि कि फार्मर को इतना एक एश्योरेंस uh, रहे कि उसकी जो क्रॉप है उसका जो आउटपुट है वो जरूर सेल होगा ठीक है तो देखें द राइट आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑपरेशन फ्लड जो मिल्क की प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेड इन 1982, 1970 और 1995। से आंसर इज 1970। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया इज नोन एज तो इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किस को कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन नॉमन बर्लॉग चिदंबरम सुब्रमण्यम पीसी महालनोपिस पीसी महालोनोपिस को हम रिलीट करते हैं हमारे सेकेंड फाइव प्लान के साथ प्लान तो के साथ रिलेट किया जाता है ठीक है तो एम एस स्वामीनाथन ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन In India, farmers do not have dash to keep back their produce for selling later at a better price. तो फार्मर्स के पास क्या नहीं है ऐसा कि वो अपना जो प्रोड्यूस है जो आउटपुट है उसको रख सके वहां पे और वो उसको बाद में पे कर सके। तो ऐसा क्या नहीं है, right है जिनके कारण उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रोड्यूस है जो क्रॉप है उसे सेल करना होता है ताकि एटलीस्ट वो बिक जाए नहीं तो वो पड़ा, -पड़ा या तो खराब हो सकता है अटैक हो सकते हैं बारिश हो सकती है पानी हो लग सकता है उसको तो इससे पहले कि वो खराब हो जाए तो फार्मर्स को सेल करना पड़ता है अगर यही फार्मर्स को अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज मिल जाए तो बाद में लेटेस्ट स्टेज पे पे बेटर प्राइस उसको सेल कर सकते हैं क्लियर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व दोसे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग मार्केटिंग क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हार्वेस्टिंग के बाद से लेके फाइनल सेल तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कवर करती है जैसे कि असेंबलिंग ऑफ द क्रोप स्टोरेज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ग्रेडिंग और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज तो देखिए ऑप्शन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन नो पे एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई किया जाता है जैसे हनी बीज को रेयर करना पोल्ट्री को करना ये सब कुछ डाइवर्सिफिकेशन में आता है कि आप और एक्टिविटीज को बढ़ा सकें ठीक है देन एग्रीकल्चरल बैंकिंग ये तो बिल्कुल भी नहीं है तो क्रेडिट नीड्स के साथ रिलेट करता है एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट नो एग्रीकल्चर मार्केटिंग येस तो डी इज द राइट Answer, okay? Next question. ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए कि अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चंस जो अभी तक जैसे कि हम थ्री सिक्सटी क्वेश्चन पे हैं और इस वीडियो में हम 370 सेवेंटी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है यहां तक नहीं की है थ्री तक तो प्लीज काइंडली आप जाइए आप पुरानी वीडियोज को वॉच कीजिए प्ले है हमारी सी इकोनॉमिक्स तो उस प्ले में जाके आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो काइंडली उस प्ले चैनल को आप विजिट

टे ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ये तीनों ही राइट हैं रूरल मार्केटिंग अगर आप डेवलप करते हो तो आपको स्टोरेज भी चाहिए मार्केटिंग तभी होगी ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए रेगुलेटेड मार्केट्स भी चाहिए तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज इज डी ऑप्शन क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई विच ऑफ दॉट अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं हमारी रूरल मार्केटिंग इवन की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए और उसको और इम्प्रूव करने के लिए पर इन चारों स्टेप्स में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लिया है तो देखें मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ये लिया है स्टेप गवर्नमेंट ने वो बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है ताकि जरूरत के समय पे काम आए ठीक है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस मार्केट्स को रेगुलेट किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो बिल्कुल मार्केटिंग के अंदर ठीक है प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग को प्रमोट किया गया है बिल्कुल ठीक प्रमोटिंग ट्रेड बाय बिग रूरल मर्चेंट्स नो तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिग रूरल मर्चेंट्स की हेल्प ली गई है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डैश मार्केट्स वर ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट दस फ्रॉम माल प्रैक्टिस मंडीज में होने वाली जो माल प्रेक्टिस छेड़छाड़ की जाती है क्रॉप की तो जितनी भी माल प्रेक्टिस मंडीज में होती है उनसे फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वो कौन सी मार्केट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है तो देखिये रेगुलेटेड पीरियडिक डेली वीकली ये कुछ भी नहीं है ये गलत है राइट आंसर इज

सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर नो नॉन ऑफ दीज नो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है राइट right? तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं 370 क्वेश्चंस और ये जो आज के 10 क्वेश्चन तो तो का जो प्ले लिस्ट है सारे क्वेश्चन को वॉच कीजिए और इनके अलावा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यू आर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आपके सी यू टी एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में अगर आपको ये वी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू